हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो आज मैं लौट आई हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ। अभी फ़िलहाल बज रहे सुबह के 6:30 और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ छत पे और मैं यहाँ पे लाइव कार्डियो सेशन लेने आई हुई हूँ। सो फटाफट अपना कार्डियो सेशन ख़त्म करते और नीचे चलते हैं। जैसे कि कल बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, आज भी वैसा ही मौसम बना हुआ है। काली घटा आई हुई है और सिर्फ एक जगह से वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, आप देख सकते होंगे, और पूरी जगह काली घटा है। मैं आपको बैक कैमरा करके अच्छे से वहाँ पे दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आज सुबह का मौसम भी। सो जैसे कि अभी आपने देखा, कहीं कहीं जगह वहाँ धूप दिख रही है और कहीं कहीं जगह बिल्कुल काली घटा दिख रही है। यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता रहता है, अचानक से कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, तो ये होता रहता है यहाँ पे। सो फटाफट अपना लाइव कार्डियो सेशन स्टार्ट करते हैं और अब मैं मिलूँगी आपको कार्डियो सेशन के बाद। रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ और वैसे भी इतने खूबसूरत मौसम में वर्कआउट करना बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। सो अब हम चलते फटाफट नीचे और रेडी होते हैं। फिलहाल अभी ये थोड़ा सामान बिखरा हुआ है मेरे वर्कआउट का, वो संभालते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस, अभी रेडी हो गई हूँ मैं और चल के देखते हैं अभी बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सो लेट्स गो। सो मेरी बहन तो एज यूजुअल अपनी ड्राइंग बना रही है। आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई है। यशु, मेरे हेलो गाइस, मेरी एक न्यू वीडियो बन रही है, ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। मैं न्यू एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ पेंटिंग की, वन स्ट्रोक ड्राइंग, तो प्रैक्टिस चल रही है, इसके बाद वीडियो शूट करूँगी। तो गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा आप इसकी वीडियोस देख रहे हो कि नहीं और कैसी लग रही है इसकी वीडियोस। और फ़िलहाल इसकी अभी प्रैक्टिस चल रही है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते और चलते दूसरे रूम में। तो अभी निष्ठा तो ड्राइंग कर रही है और मेरा भाई भी अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहा है। हम तीनों ही यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं तो वो भी अपनी वीडियोस बना रहा है। और इनफैक्ट मैं भी 2-3 दिनों से निष्ठा की ड्राइंग्स देख के मैं भी सोच रही थी कि मैं भी अपनी ड्राइंग्स दोबारा स्टार्ट करूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि जब पिछले लॉकडाउन में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मंडाला आर्ट फॉर्म की ड्राइंग से ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। बट शूटिंग प्रैक्टिस पे जाने की वजह से घर पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था और फिर ड्राइंग छूट गई थी। बट अब काफ़ी टाइम है तो डांस वर्कआउट तो एक जगह चल ही रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी एक ड्राइंग की वीडियो अपलोड करूँ और वो डॉट पेंटिंग या मंडाला ड्राइंग कंटिन्यू करूँ।
और बहुत जल्दी ही चांस है कि शूटिंग रेंज भी खुल जाएगी, तो जो मेरे शूटिंग के सपोर्टर्स है, व्यूअर्स है, उनके लिए भी मैं जल्द से जल्द कोई एक अच्छी सी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन खुलते और रेंज स्टार्ट होती है, मैं रेंज जाना शुरू करूँगी। वैसे मैं घर पर भी बना सकती थी, बट जितनी क्लैरिटी आपको शूटिंग रेंज में वीडियो शूट करके मिलेगी, शायद आपको उतनी घर पर ना मिले। तो बस अब कुछ ही दिनों की बात है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो फिलहाल अभी हम लंच कर लेते हैं और थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी 2:30 बज गए हैं, तो थोड़ी देर सो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं शाम को। तो गाइस अब मैं उठ चुकी हूँ, अभी बज चुके शाम के 4:30, अगर आपको दिख रहे हैं 4:35 हो रहे हैं, और अभी बस 10-15 मिनट पहले उठी हूँ मैं। अभी मेरा लाइव डांस वर्कआउट सेशन है, तो वो होने वाले हैं 5 से 5:30 बजे। तो अब मैं उसके लिए रेडी होती हूँ और चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पे अपना लाइव डांस वर्कआउट सेशन करती हूँ। बेसिकली ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था फ़न के लिए, मस्ती के लिए। यूट्यूब पे तो मैं वीडियोज़ डाल ही रही थी, बट वो कहते ना एक से भले दो, तो जस्ट टू बी इन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंट रहने के लिए मैंने वैसे भी सोचा कि अगर कोई साथ में होगा डांस वर्कआउट के लिए तो और भी मज़ा आएगा। तो मैंने ऐसे ही स्टेटस डाल दिया था और उसके थ्रू काफ़ी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो अब लगभग 8-9 लोग हो गए हम लोग जो साथ में मिलके डांस करते हैं शाम को। तो बस अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, फटाफट से रेडी होते हैं और अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा जब क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, तब मैं आपको सेटअप दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है। और लेट्स गो। सो फाइनली गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी क्लास स्टार्ट करने के लिए। बस कुछ ही देर में लोग ज्वाइन हो जाएंगे और हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। यूजुअली हम गूगल मीट के थ्रू ही क्लासेस लेते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेटअप जहाँ पे हम अपनी लाइव डांस वर्कआउट सेशन लेते हैं। जो आपने मेरे वर्कआउट कार्डियो सेशन देखा था वो मैं छत पे लेती हूँ, सुबह आपने देख लिया वो। अब जो शाम को सेशन होता है वो हम रूम में लेते हैं, तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। सो गाइस ये वो रूम है जहाँ पे दिन भर बैठ के हम अपना काम करते हैं। ये स्पीकर है जहाँ पे जिसमें हम ऑफकोर्स गाने चलाते हैं वर्कआउट के टाइम पे। और ये टेबल आपने देखी थी मेरे पिछले वीडियो में, ये निष्ठा की टेबल है जहाँ पे वो अपनी ड्राइंग वीडियो शूट करती है। ये सुबह से यही बना रही थी। सी आई थिंक सो इसकी नेक्स्ट वीडियो यही होने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको ये पेंटिंग। यार उसने एक ही दिन में प्रैक्टिस करके ये पेंटिंग बनाई है, रियली अमेजिंग यार। एक्चुअली उसको काफ़ी शौक है ड्राइंग का, तो करती रहती है नए नए एक्सपेरिमेंट्स। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था वो दूसरे टाइप की ड्राइंग कर रही थी, अभी यहाँ पे वो पढ़ी नहीं है। बट अभी इस बार उसने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करा है और वो सुबह से लगी हुई थी, अभी फ़िलहाल 1 घंटे पहले वो फ्री हुई है और अभी वो रेडी हो रही है मेरे साथ डांस करने के लिए। सो दिन में वो यहाँ ड्राइंग करती है और शाम को जब उसकी ड्राइंग हो जाती है तो इसके आगे यहाँ ट्राईपॉड लगा के हम अपना डांस वर्कआउट सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने जुगाड़ से ट्राईपॉड बनाया हुआ है, इसमें हम फ़ोन फिक्स करते हैं और इसके थ्रू हम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो अभी कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं दिखाती रहूँगी आपको बीच बीच में क्लिपिंग्स अपने डांस वर्कआउट की और फिर मिलते हैं हम डांस वर्कआउट के बाद। सो सी यू। ठीक है, अब इसको 5, 1, 2, 3 चलो 1, 2, 3 1, 2, 3 बॉडी एक बार राइट लेफ्ट राइट, पूरा नहीं हल्का 1, 2, 3 चलो साथ में करेंगे 1, 2, 3 बहुत